नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरसीबी और केकेआर के बीच आईपीएल 2022 के मैच नंबर 8 की हाइलाइट्स में। फटाफट दोस्तों गेम को करते हैं शुरू। टॉस की अगर हम बात करें तो यहां पर फैव डुप्लेसिस ने सिक्का उछाला और सिक्का दोस्तों गिरा जो है वो फिलहाल के लिए इस मुकाबले में जो है वो आरसीबी के कप्तान फैव डुप्लेसिस के पक्ष में, और उन्होंने सीधा टॉस जीतने के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्योंकि दोस्तों मुकाबला हो रहा है ईडन गार्डन्स में और आप सभी को पता है कि ड्यू ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर जो है वो करता है नहीं, तो क्यों ना आप पहले बल्लेबाजी करें और बेहतरीन तरीके से रन्स बनाएं। विराट कोहली डुप्लेसिस की जोड़ी यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी करने आएगी ओपनिंग, और आपने देखा मुंबई के खिलाफ मुकाबले में क्या हुआ, कुछ वैसा ही इस मुकाबले में पार्टनरशिप करने की कोशिश रहेगी। आंद्रे रसल रहेंगे सामने, पिछली बार जोफ्रा आर्चर थे। चलिए मेरे भाई, पिछले मैच में जोफ्रा आर्चर के परखच्चे उड़ाए थे विराट कोहली ने, देखते हैं क्या यहाँ पर इस बारी क्या यहाँ पर आंद्रे रसल के पर खच्चे उड़ा पाएंगे। फिलहाल के लिए शॉट खेलते हैं, दूसरे रन की कॉल किया, दूसरा रन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन से यहाँ पर आते हुए पहली ही गेंद पर, तो दो रन आ चुके हैं विराट कोहली के बल्ले से, खाता भी खुल चुका है उनका, और कुछ ऐसे ही शुरुआत की ज़रूरत थी फिलहाल के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर अब की बारी कवर के फील्डर के ऊपर से एक बहुत खूबसूरत शॉट खेला है कोहली ने, इन्हीं सब शॉट्स के लिए कोहली जाने जाते हैं। और यहाँ पर विराट के बल्ले से एक खूबसूरत चौका आता हुआ, दूसरी गेंद पर चौका आया है, तो रन्स भी दो और मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों हो जाएगा रन 6, दो गेंदों के बाद स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के बाद। 5 ओवरों का खेल है ये, आप सभी को मैं बता दूं। और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर अगर हमें खेलते हुए दिखेंगे आईपीएल में, तो आप समझ लो कि मुकाबला देखने में कितना बेहतरीन और कितना मज़ा आने वाला है। तीसरी गेंद वापसी आंद्रे रसल की, कोई बात नहीं है। चौथी गेंद पर विराट कोहली ज़रूर इसका बदला लेना चाहेंगे। और लो भाई, विराट कोहली ने पुल शॉट थी, गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्ट पॉल पर जो है पुल खेला है और गेंद को पहुंचा दिया स्क्वायर लेके फील्डर के बिल्कुल ऊपर से, गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत ये छक्का विराट कोहली के बल्ले से आता हुआ, और इस छक्के के साथ यहाँ पर स्कोर की अगर हम बात कर लेते हैं उसमें दोस्तों तब्दीली आएगी, सीधा हो चले हैं 12 रन 4 गेंदों में। तो आंद्रे रसल की इस ओवर की ज़बरदस्त शुरुआत विराट कोहली ने करके दिखाई है, लेट्स सी क्या हो पाएगा फिलहाल के लिए। और यहाँ पर एक और छक्का अब की बार दोस्तों डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ा कर दोस्तों गेंद को पहुँचा दिया है ईडन गार्डन के बिल्कुल बाहर, सीधा दोस्तों सुंदरबन डेल्टा में, और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बेहतरीन ये शॉट सीधा दोस्तों बे ऑफ बंगाल में पहुँचा दिया यहाँ पर से स्टेडियम से पार करके। अंतिम गेंद ओवर की विराट कोहली स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर से, देखते हैं क्या कर पाएंगे इस समय पर, और क्या बेहतरीन शॉट ले गया है इस बार दोस्तों मिड ऑफ और कवर के बिल्कुल ऊपर से। पीछे फील्डर मौजूद जरूर था, लेकिन वो गेंद को सिर्फ देखते रह जाएंगे क्योंकि उनके सर के ऊपर से गेंद सीधा चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दो छक्के हैं इस ओवर से, एक चौका आया और एक दोस्तों आया सिंगल, कुल मिलाकर के बेहतरीन ओवर रहा। पर सेकंड ओवर की शुरुआत होनी है, फैफ डुप्लेसिस इस समय स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। पहले ओवर में तो विराट कोहली ने 24 रन ऑलरेडी ठोक दिए हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की विराट कोहली ने मेरे भाई, क्या ही तबाही मचा के रख दी। देखते हैं फैफ क्या कर पाएंगे इस ओवर में, और फैफ ने भी दोस्तों विराट की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कवर के फील्डर के ऊपर से गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री लाइन के बाहर, पीछे पॉइंट का फील्डर ने इस गेंद को रोकने की कोशिश ज़रूर की लेकिन गेंद तक ही नहीं पहुंच पाए, तो रोकने की बात तो दूर है। 28 रन यहां पर दोस्तों हो चला एक ओवर एक गेंद के बाद। विराट कोहली ज़बरदस्त बल्लेबाजी, उमेश यादव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेट्स सी उमेश यादव यहां पर क्या कर पाएंगे इस ओवर में। फिलहाल के लिए यहां पर एक बहुत बेहतरीन तरीके से शॉट खेला है सिंगल के लिए, बहुत तेज़ी रन दिखानी पड़ेगी और दोस्तों सिंगल तो मिल नहीं पाएगा और विकेट ज़रूर गिर जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल चुराने के चक्कर में फैफ डुप्लेसिस अपना विकेट गवा बैठे हैं, बट कोई नहीं, नेवरदलेस जब तक दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली है वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ही इज़ हियर, और वो दोस्तों यहाँ पर से मुकाबले को बहुत ईजिली निकाल लेंगे। एक ओवर दो गेंद 28 रन एक विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर है। विराट कोहली स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे और फिलहाल के लिए उमेश यादव गेंद गिराने को रहेंगे तैयार। आगे निकल कर उमेश यादव की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर की अगर मैं बात कर लेता हूं वो हो जाएगा 32 रन, और 32 में से दोस्तों 28 रन तो अकेले विराट कोहली ने ही ठोक दिए हैं। एक ओवर 3 गेंदों का खेल हो चला है, एक विकेट ही मात्र गिरा अभी तक, और विराट ज़बरदस्त फॉर्म में है फिलहाल के लिए विराट कोहली के लिए। अगली गेंद उमेश यादव की, और अब की बारी एक बार फिर से कुछ वैसे ही गेंद थी और इसका अंजाम भी कुछ वैसा ही हुआ है, गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दो गेंदें दो बैक टू बैक चौके विराट कोहली के बल्ले से आता हुआ, उमेश यादव की गेंद थी और उमेश यादव यहां पर जितनी तेज़ गति की गेंद फेंक सकते हैं कुछ वैसी गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहां पर वैसी गेंद उनसे हो नहीं रही है।
1 ओवर 4 गेंद 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर रहेगा फिलहाल के लिए विराट कोहली के लिए। अगली गेंद उमेश यादव की शॉर्ट लेंथ की डिलीवरी है, क्या पुल कर पाएंगे विराट कोहली? पुल करने की कोशिश की है, टॉप एज लगा है, नीचे फील्डर मौजूद है और पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, विराट कोहली का विकेट गिर चुका है दोस्तों इस मुकाबले में। बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हो, 9 गेंदों में 32 रन बना लिए थे ऑलरेडी विराट कोहली ने, एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट जो है वो गवा बैठे। अब फिलहाल यहाँ पर वानिंदु हसरंगा को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। दिनेश कार्तिक आए हैं दोस्तों नॉन स्ट्राइकर एंड पर से, यहाँ पर फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर अंतिम गेंद ओवर की। लेट्स सी क्या दिनेश कार्तिक भी कुछ कमाल कर पाएंगे, और लो भाई दिनेश कार्तिक ने कमाल कर दिया है, पॉइंट के फील्डर के बाजू से शॉट खेला है गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। प्रैक्टिस की जो पिच है उस पिच के बिल्कुल बाजू से गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ और कुल मिलाकर के रन्स तो काफ़ी बना दिए हैं आरसीबी ने। चलिए दोस्तों नीतीश राणा आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान भी है नीतीश राणा। अब देखते हैं कप्तान नीतीश राणा क्या कमाल कर पाएंगे इस मुकाबले में, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। फिलहाल के लिए नीतीश राणा रहेंगे तैयार यहाँ पर नीतीश राणा के लिए अगली गेंद, और लो भाई नीतीश राणा का स्वागत तो बड़ा शॉट के साथ किया है, पीछे फील्डर मौजूद है, चौका जरूर मिल सकता था, हालांकि पीछे डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग हुई और फील्डिंग के साथ साथ जिस तरीके से थ्रो किया बल्लेबाज ने वो काफ़ी बेहतरीन था। 40 रन हो चला है स्कोर 2 ओवर 1 गेंदों के बाद, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फिलहाल यहाँ पर 42 रन, नीतीश राणा स्ट्राइक के ऊपर गेंदबाजी करने के रहेंगे तैयार, और इंदु हसरंगा नए बल्लेबाज है स्ट्राइक के ऊपर, और लो भाई हसरंगा ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है, फील्डर मौजूद है एक, लेकिन सिंगल चुरा लेंगे यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई, ज़बरदस्त रनिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि फील्डर के हाथ में गेंद थी लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रन चुरा लिया बल्लेबाज ने, तो आप कह सकते हो कितनी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों एक कैरम बॉल नीतीश राणा की, पीछे फील्डर मौजूद है, 2 की कॉल फिर भी कर दी है तो यहाँ पर विकेट गिर सकता, और 2 दोस्तों यहाँ पर एक आई गेस विकेट गिर जाएगा या फिर पहुँच जाएंगे बल्लेबाज। दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर दोस्तों, दूसरा रन आउट इस मुकाबले का, वहीं पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं, 120 बना लिए हैं 13 ओवर में, अच्छी रन रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी करती हुई पंजाब किंग्स की टीम। फिलहाल यहाँ पर अनुज रावत को दोस्तों बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, आई डोंट नो वाई इस सिचुएशन में अनुज रावत किस तरीके से फिट बैठते हैं आरसीबी की टीम मैनेजमेंट के ऊपर, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए अनुज रावत के लिए पहली गेंद, और पहली ही गेंद पर अनुज रावत ने गेंद को धकेल दिया है पीछे कवर की दिशा में, 2 रन तो बहुत ईजिली यहाँ पर मिल ही जाने चाहिए, और जिया दोस्तों मिल गए हैं। प्रभ सिमरन सिंह की अगर हम बात करें दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी की, 34 गेंदों में 60 बनाए और हर किसी को अपना दीवाना बना लिया, और लो भाई यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं अनुज रावत लेकिन बड़ा शॉट लगा नहीं पा रहे हैं। अब देखो भाई बड़ा शॉट लगाना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, आप महेंद्र सिंह धोनी तो है नहीं कि बड़ा शॉट बहुत ईजिली जो है वो लगा लोगे, लेकिन यहाँ पर कैच की कॉल है और दोस्तों विकेट एक और गिर जाएगा, तो मिडिल ऑर्डर में एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है आरसीबी की बल्लेबाजी। देखो दोस्तों चूंकि ये गेम जो है मीडियम मोड में खेला जा रहा है, ये हार्ड मोड में नहीं है, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, हार्ड मोड में रहती तो विराट ने जितने रन्स बनाए वो रन्स थोड़े कम होते इस मुकाबले में। अब भाई दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक सुनील नारायण आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, देखते हैं सुनील नारायण की गेंदों को किस तरीके से खेल पाएंगे सरफेन रदरफोर्ड, और फिलहाल तो ज़बरदस्त तरीके से गेंद को टाइम किया है, सीधा गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, पहली गेंद पर ही ज़बरदस्त स्वागत किया है दोस्तों यहाँ पर सुनील नारायण का सरफेन रदरफोर्ड ने, और गेंद को पहुँचा दिया 6 रनों के लिए, छक्का मिलता हुआ यहाँ पर दोस्तों। एंड आई गेस ये लास्ट ओवर ही रहेगा मेरे भाई इस मैच का, मिलेंगे तब तक लिए अगली वीडियो में, और फिर से कुछ वैसी ही गेंद थी और बिल्कुल वैसा ही शॉट, और इसका दोस्तों रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही 6 रन, दूसरा छक्का आता हुआ इस मुकाबले में, इस ओवर के बैक टू बैक 2 छक्के 2 गेंद पे सरफेन रदरफोर्ड के बल्ले से आ चुके हैं 58 पे 4 आरसीबी की टीम का स्कोर, और अब की बारी भी गेंद की लाइन पर जले जा चुके ऑलरेडी सरफेन रदरफोर्ड, बड़ा शॉट एक बार कोशिश ज़रूर की, टाइम नहीं कर पाए और सीधा दोस्तों फील्डर के हाथ में गेंद को थमा दिया, और एक और विकेट झटका हुआ यहाँ पर दोस्तों, एक और विकेट गिरता हुआ, और इस तरीके से कुल मिला करके ये 5वां विकेट गिर चुका है 58 रनों पे 3 ओवर 3 गेंदे। सुनील नारायण ने एक बड़ा शॉट जरूर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिल पाएगा, और तब तक के लिए दोस्तों फिलहाल वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।